ब्रह्मांड में मौजूद सभी खगोलीय पिंडों पर समय वहां पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से चल रहा है। इसका परीक्षण भी किया जा चुका है, क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स में लगी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों की तुलना में थोड़ी तेज चलती हैं, लेकिन समय का यह अंतर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना कम होता है। अब चलते हैं ब्लैक होल की तरफ कि ब्लैक होल से समय यात्रा कैसे संभव है। ब्रह्मांड में अभी तक जितने भी खगोलीय पिंड खोजे गए हैं उनमें ब्लैक होल एक ऐसी संरचना है जिसका घनत्व यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्लैक होल की ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक होल के अंदर अगर कुछ भी गिरा तो वो इससे बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ब्लैक होल के अंदर समय भी रुक जाता है, मतलब उसके अंदर बदलाव की सारी प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। ब्लैक होल से समय यात्रा दो तरह से की जा सकती है, जिनमें पहला तरीका है कि हम ब्लैक होल के पास मौजूद किसी ग्रह पर चले जाएं, क्योंकि उस ग्रह का ब्लैक होल के पास होने की वजह से वहां का समय पृथ्वी की तुलना में आधी रफ्तार से चल रहा होगा। यानी अगर कोई उस ग्रह पर 10 साल तक रहता है तब तक पृथ्वी पर 20 साल गुजर चुके होंगे। और ब्लैक होल से समय यात्रा करने का दूसरा तरीका है कि हम एक ऐसी स्पेसशिप बनाएं जो ब्लैक होल के ऑर्बिट में घूम सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि ब्लैक होल की भी एक सुरक्षा सीमा होती है, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मतलब ब्लैक होल के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाहर वाले ऑर्बिट में स्पेसशिप को उड़ाया जाए और 10 साल तक ब्लैक होल के ऑर्बिट में रहा जाए तो तब तक पृथ्वी पर 20 साल गुजर जाएंगे, और जब वो समय यात्री पृथ्वी पर लौटेंगे तो अपने आप को 10 साल आगे भविष्य में पाएंगे। लेकिन समय में यह यात्रा एक तरफा होगी, मतलब एक बार भविष्य में पहुंच गए तो वापस नहीं लौट सकते। लेकिन ब्लैक होल से समय यात्रा करने के लिए सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि हमारे पास सबसे नज़दीक ब्लैक होल ही हमसे 1600 प्रकाश वर्ष दूर है, तो क्या समय यात्रा की कल्पना को यहीं अधूरा छोड़ दिया जाए? मेरा मानना है नहीं। अभी और भी थ्योरी ऐसी हैं जिनके द्वारा समय यात्रा संभव है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।